अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे कोई भी वेबसाइट ब्लॉक करें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में बग़ैर किसी ऐप के इंस्टॉल किए। तो आपको मैं प्रूफ के साथ ये आज करके दिखाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। और आपने वीडियो एंड तक देखनी है। अगर एंड तक नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप कहते हैं कि ये फेक है। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट मेन्यू में रन फाइंड कर लेना है, RUN सर्च में कर लेना RUN। उसके बाद आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये मैंने आपको स्क्रीन पर बड़ा करके दिखा दिया है, आपने ये लिख लेना है, बिल्कुल ध्यान से लिख लेना है। तो ध्यान से लिखने के बाद आपने ओके दबा लेना है। सिंपली आपने ओके कर देना है। ओके करेंगे सबसे ऊपर आपको एक होस्ट नाम की फ़ाइल नज़र आएगी, आपने उस पर डबल क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने उसको नोट पैड में खोल लेना है। नोट पैड में खोलेंगे ना तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। सॉरी, ये मैंने पहले लिखा हुआ था, ये मैं आपको हटा के यहाँ तक आपको ये इंटरफेस मिलेगा। फिर आपने वो जो ऊपर 127.0.0.1 जो लिखा हुआ है, इस तरह का आपको जो लिखा हुआ वही लिखना है आपने। तो लिख लेता हूँ मैं यही। तो ये लिखने के बाद आपने आखिरी चेंज करना है। ऊपर 1 था तो अभी यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। 2 लिख के आगे हम गूगल का कर लेते हैं, google.com। google.com करने के बाद आपको एक www.google.com होता है और एक से google.com होता है, तो सिर्फ google.com कर देता हूँ मैं। उसके बाद आपने सिंपली इसको सेव कर देना है। सेव करेंगे तो फिर आपको अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये मैं अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लेता हूँ, तो अभी ये मैं आपको google.com दिखाता हूँ। ये google.com ये है, इस पर क्लिक कर लेना। तो ये देख सकते हैं कि ये लिखा आ रहा है कि ये वेबसाइट नहीं खुल रही, ये वेबसाइट ब्लॉक है। तो आपको अभी मैं एक और करके दिखाता हूँ, फेसबुक का भी कर देता हूँ। तो ये वेबसाइट हमारी ब्लॉक हो गई है। अभी ये फिर होस्ट खोल लेते हैं, नोट पैड में दोबारा खोल लेते हैं इसको। उसके बाद अभी मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूँ। ये सारा ख़त्म कर दें, आप इसको सेव कर दें, सेव कर दें। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखना अभी खुल जाएंगी। ये सेव करने के बाद आपने फिर मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको google.com बताता हूँ करके सर्च। तो अभी ये गूगल किधर गया, google.com ये क्लिक कर दिया है। उसके बाद ये देख सकते हैं कि सब ये थोड़ा मसला आ गया। अभी ये गूगल सर्च करके मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखना आप ये खुल जाएगा। तो ये google.com ये देख सकते हैं कि गूगल हमारा दोबारा खुल गया है। तो हमारा ये अब आपको मैं फेसबुक का भी करके दिखा देता हूँ। ये तो आपने सिंपली वहीं उस पे जाना है, वही लिख देता हूँ। उस पे जाने के बाद आपने उसको नोट पैड में खोल लेना, डालेंगे खोल के आपने सिंपली ओके दबा लेना है। .com लिख लेता हूँ, उसके बाद नीचे 127.0.1 सबसे ऊपर था। उसके बाद ये इधर 2 करना है हमने, इधर 2 करेंगे, उसके बाद नीचे इधर 3, फिर नीचे ऐसे करते जाएंगे, जितनी करनी है ऐसे काउंटिंग चलती जाएगी। तो ये हम इधर 3 लिख के आगे ये सिर्फ facebook.com कर लेते हैं। एक के साथ www आता है और एक के साथ www नहीं आता, तो दोनों को ये मैंने कर दिया है। उसके बाद आपको सिंपली सेव कर लेना है, तो सेव कर लेना है। उसके बाद इसको भी क्रॉस कर लें आप। उसके बाद आपने सेव करने के बाद आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लेना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट देखना ब्लॉक होगी। तो ये facebook.com किधर है, ये इस पर क्लिक किया तो ये देख सकते हैं कि फेसबुक हमारी नहीं आ रही। तो अभी दोबारा उसको खोल के हटाने का मैं आपको बता देता हूँ, हटा के दिखाता हूँ अभी आपको। इसको हटा दिया मैंने, हटाने के बाद ये सारा इरेज कर देता हूँ। इसको सारे को ख़त्म करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखना भी फेसबुक दोबारा खुल जाएगी।
तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लेता हूँ, उसके बाद ये अभी मैं आपको इधर फेसबुक निकाल के दिखाता हूँ, देखना चाह रही होगी। तो ये फेसबुक इधर है, ये फेसबुक पे क्लिक किया तो ये देख सकते हैं कि फेसबुक, ओहो ये सब पेज पे खुली थी। तो ये आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। तो ये फेसबुक है, इस पर क्लिक किया तो ये फेसबुक भी हमारी खुल गई है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, दोस्तों में शेयर करना, और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब